कबाड़ के सामानों से शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करने वाले नगर निगम की है। लगभग 70 बसें कबाड़ हो गई हैं। इसका ना कोई उपयोग हुआ और ना ही इन बसों को कबाड़ घोषित किया गया। बस बरटाड़ में खड़ी खड़ी स्मारक बन गई है। सरकारी पैसों का इस तरह का दुरुपयोग बहुत कम ही देखने को झारखंड में मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि बसों को चलाने की कोशिश नहीं की गई, कोशिश जरूर की गई, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई और बस स्मारक में तब्दील हो गई। 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत 14 करोड़ की लागत से 70 सिटी बसों की खरीदारी की गई थी। खरीदारी होने के बाद इसे कभी भूतपूर्व सैनिकों के हाथों तो कभी सहायता समूह को सौंप कर चलाने की कोशिश की गई। लेकिन बस सड़क पर कुछ दिन दौड़ने के बाद फिर निगम के गोदाम तक पहुंचती चली गई। नतीजा हुआ कि 14 करोड़ रुपए आज मिट्टी के सामान का हो गया है। खड़ी खड़ी बस बेकार हो गई है। बस के सामान भी चोरी होने के आरोप लगते रहे। वैसे धनबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। धनबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो और टोटो के भरोसे ही चल रही है। बसों की जब खरीदारी हुई तो धनबाद के लोगों को लगा कि उनकी एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि निगम इन बसों को चलाने का कई प्रयास किया, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं ईमानदारी कम थी। नतीजा हुआ कि बसें किसी काम की नहीं रह गई। 2010 में खरीदी गई ये 70 बसें आज 2024 में पूरी तरह से स्मारक के रूप में तब्दील हो गई। अब अगर बस या निगम चाहे भी तो इन बसों को सड़क पर चला नहीं सकता। मतलब 14 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। किसने योजना बनाई, कैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, खरीदने के पहले परिचालन की क्या नीति और नियम बनाए गए, ये भी बताने वाला आज कोई नहीं है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।